हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने का इजी सा वे देखेंगे जिससे बच्चों का क्लास में इंटरेस्ट बनता जाए और एक टीचर को भी सब कुछ आना चाहिए ताकि वो बच्चों का इंटरेस्ट बनाती रहे। अब देखिए, अगर हमें अल्फाबेट सिखाने हैं बच्चों को तो विद पिक्चर सिखाइए। अगर टीचर को पिक्चर नहीं आती है बनाने तो उसको सीखनी पड़ेगी, उसको अपने तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे, पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे। किसी भी टीचर को, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, उसको पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो नर्सरी के बच्चों को विद पिक्चर सिखाया जाए तो वो इजिली सीखते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल का फुल डिस्क्रिप्शन करना चाहिए कि एप्पल क्या है, फ्रूट है, एप्पल स्वीट होता है, एप्पल सब खाते हैं, वो बड़े बच्चे बन जाते हैं। इस तरीके से इंटरेस्टिंग सा बनाना चाहिए और फन सा होना चाहिए बच्चों में, और फिर क्लैपिंग करवानी चाहिए और इस तरह से सारे इनका वर्णन सा करवाना चाहिए। और टीचर इस तरह से बच्चे ना इंटरेस्ट ले लेंगे क्लास में और डेली रोज आएंगे, एक भी दिन स्किप नहीं करेंगे कि मैं आज नहीं जाऊंगा, डेली आएंगे इस तरह से बच्चे क्लास में। बी फॉर बॉल, बॉल क्या है, टॉय है, बॉल के साथ कौन खेलेगा, बॉल किसके पास है। सी फॉर कैट, कैट क्या है, एनिमल, कैट क्या करती है, म्याऊं करती है, तो कैट सबका दूध पी जाएगी, इस तरह से बच्चे खुश भी हो जाएंगे। डॉग किसके घर के पास रहता है, इस तरह से सभी का ही सभी के बारे में बताना है। अब देखिए, ये आपने इंग्लिश का आपने देख लिया, एक बार आप ना स्क्रीन शॉट ले सकती हैं, कोई भी नई टीचर स्क्रीन शॉट ले सकती है ड्राइंग की, इसको कैसे बनाना है बोर्ड पे। देखिए सीरीज में ही बनाना है, इस तरह से सीरीज में, क्योंकि वो नोटबुक में हम सीरीज में काम देते हैं तो बोर्ड पे भी सीरीज में ही देना है। ऐसे नहीं है कि वो टेढ़ी लाइन चली जाए तो बच्चों के दिमाग में इफेक्ट पड़ता है कि मैम ने यहाँ ऐसे लिख दिया नोटबुक में ऐसे, क्योंकि उनका दिमाग उन्हीं के हिसाब से चलता है, हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चलता है। अब देखिए हम हिंदी का कैसे समझाएंगे। देखिए अब हमने ए का अनार बना दिया है हिंदी में, ऐसे अनार, अनार, और हमें अनार, सॉरी, हमें अनार की और ड्रॉइंग भी आनी चाहिए, ऐसे अनार, ये भी हम सीरीज में ही बनाने हैं। और लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा साफ करना पड़ेगा, मैं पूरा साफ करूंगी। ऐसे अनार, अनार कौन खाता है, अनार बहुत मीठा होता है, इस तरीके से एक सॉन्ग सा सिंग करवाना है, गाना सा होना चाहिए। ऐसे आओ आओ ढूंढे हम ऐसे अनार, ये हमें बुक में भी मिल जाएगा। बुक में जब हम नर्सरी की बुक लेते हैं हिंदी की, उसमें 100 लाइन होती है, वो पढ़ के हम सुनाएंगे, ऐके अनार के बारे में बताएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा क्लास में। अब देखिए ऐसे अनार, आसे आम, ऐसे पिक्चर हर टीचर को बनानी आनी चाहिए। जो नर्सरी के टीचर होते हैं उनको तो मतलब कि नर्सरी से फिफ्थ क्लास के बच्चों की मैम या टीचर जो भी होते हैं, मेल या फीमेल, उनको ड्राइंग में ड्राइंग पक्का आनी चाहिए। इसे इमली, देखिए इस तरीके से पू से उल्लू। ये वीडियो एक बिगिनर टीचर के लिए भी है जिसको पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसके लिए भी है ये वीडियो। देखिए इस तरह से वीडियो काफी बड़ी सी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ तक, चलो बड़ी सी हूँ। Thank you.
खाना है कि बुक होती है उनमें भी होता है, वैसे मैं भी बता देती हूँ। आ से अनार, आओ बच्चों ढूंढे हम, ऐ से अनार, आ से आम, सभी मिलके खाएंगे, आ से आम, ई से इमली, चलो चखले हम, ई से इमली, बड़ी से ईख, आओ खाएं हम ईख, उसे उल्लू किसने देखा है, उसे उल्लू किसने देखा है, उसे उल्लू बड़े उसे इस तरह से सॉन्ग सा सिंग करना है बच्चों के सामने, नर्सरी के बच्चों के सामने, और फिर क्लैप करवानी है। बच्चों का इतना इंटरेस्ट बन जाएगा नर्सरी के बच्चों का, वो ऐसे सिखाया जाएगा ना तो बच्चे इजिली और आराम से और जल्दी से सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। फिर देखिए काउंटिंग को कैसे सिखाना है, काउंटिंग बोर्ड पे बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 10 तक नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। ये पूरी लाइन बुलवा के बच्चों से फिर बोलना है कि आप इसको आइसक्रीम मिलेगी, उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, ऐसे बच्चों के नाम तो टीचर को याद हो जाते हैं, उसको टीचर को बोलना पड़ेगा अनुराग को आइसक्रीम मिलेगी, और वो जोर से बोलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो ना 2-4 बच्चे जोर से बोलते हैं, 2-4 बच्चे स्लो बोलते हैं, नहीं बोल पाते, धीरे बोलते हैं, लाउडली नहीं बोल पाते, और कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है। तो स्टडी को इंटरेस्ट बनाने के लिए उनकी इंग्लिश की स्टडी हो, चाहे वो मैथ का सिखा रहे हो या फिर हिंदी का, बोर्ड पे अगर थोड़ी सी जगह बचती हो तो वहाँ पर आइसक्रीम, कैंडी या कुछ भी बना दें, या फिर मैंगो बना दें, जो उनको बच्चों को पसंद होता है, जो टीचर को बताएगी भाई इसको ये पसंद है, तो वो बना दे और बोले कि आइसक्रीम मिलेगी, बड़ी वाली आइसक्रीम मिलेगी, ऐसे तो वो जोर जोर से बोलेगा और इंटरेस्ट लेगा स्टडी में और स्माइल के साथ पढ़ेगा।